में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती हैं। तो चलिए मैं देख लूँ, मनु चौधरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग दुर्गेश यादव ऑफिशियल 725, दुर्गेश जी थैंक यू सो मच। दुर्गेश हालांकि मैं बता दूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, इट वुड बी अ डेमो क्लास। ये डेमो क्लास होने वाली है जिसमें मैं बात करूँगा कि हमने जो कोर्स डिजाइन किया है उस कोर्स में हमारी पढ़ाने की और समझाने की स्टाइल क्या रहने वाली है। ठीक है, एस कुमार मैं तो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग नदीम सैफी जी, नदीम मेरा भाई नाम, क्या बात है नदीम सैफी जी, वेलकम। राजू त्यागी कैसे हैं, हैप्पी छठ पूजा सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको छठ पूजा की, दिवाली की, भैया दूज की, जितने भी त्यौहार शानदार त्यौहार हमारे अभी गए हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस की, आर्मी बॉयज जय हिंद, गुड इवनिंग। अरे वाह आर्मी बॉयज, क्या बात है। चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। और हमें समझना पड़ेगा कि डेमो क्लास का मतलब समझ लेते हैं पहले हम, व्हाट डू वी मीन बाय अ डेमो क्लास। देखिए डेमो ऐसा होता है, जैसे आप यू समटाइम्स यू गो टू अ स्वीट शॉप पे जाते हैं, आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं एंड यू वांट टू बाय 10 kg, 5 kg, 2 kg, इवन 1 kg, बट बिफोर बाइंग दैट 1 kg, उसे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो को खरीदने से पहले यू वांट टू मेक इट श्योर, आप इसको इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि वो दवाई जो 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 मिठाई आप खरीद रहे हैं वो टेस्टी भी हो और फ्रेश भी हो। आपने सोचा यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपने सोचा कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है, पर अब आपकी ये भी तो जिम्मेदारी हो जाती है कि आप एक ऐसा व्यक्ति ढूंढे, ऐसा मेंटर ढूंढे, ऐसा कोर्स ढूंढे, ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढे जहां पर आपको सिखाया जा सके, सिखाने का तरीका बहुत शानदार हो, जिनका आप एक बात समझने की कोशिश करिए डेमो क्लास का मतलब क्या है। एक बात तो आपने तय कर लिया कि आपको इंग्लिश तो सीखनी है, अब यहां से नहीं सीखेंगे कहीं और से सीखेंगे, पर इंग्लिश तो सीखनी है, ये डिसीजन तो आपका फाइनल है। नाउ यू आर लुकिंग फॉर, ऐसा होता है ना कि बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है, ये डिसीजन तो फाइनल हो गया कि बेटी की शादी करनी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी यार किसी से भी कर देंगे, कहीं भी कर देंगे, तो आपको इंग्लिश सीखनी है, ये तो डिसीजन आप ले चुके हैं, पर आप कहीं से भी थोड़ी सीख लेंगे। आप ये देखना चाहते हैं यार सिखाने वाले में दम है या नहीं, उनके पास कोई तरीका है, कोई नई स्टाइल है, कोई नया तरीका है, डज ही हैव एनी न्यू स्टाइल और डज ही हैव एनी डिफरेंट वे फ्रॉम अदर्स, क्या उनके पास दूसरों से अलग कोई तरीका है। अगर दूसरों से कोई अलग तरीका हो तो हम आपसे सीखें, मतलब मुझसे सीखें, अदरवाइज तो फिर आप कहीं से भी सीख लीजिएगा। तो मैं आपसे 40 से 45 मिनट लेने वाला हूं आपके, और मैं आपसे एक बात का प्रॉमिस करता हूं, कमिट करता हूं कि ये 40-45 मिनट आपके बेकार नहीं जाएंगे, वैल्यूएबल रहेंगे, वर्थवाइल रहेंगे, ये मेरी प्रॉमिस है, मेरी गारंटी है, मेरा आपसे के प्रति जिम्मेदारी बनती है, आपने अपना समय मुझे दिया है। इन 40 से 45 मिनट में मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला कि जो इंग्लिश को लेकर हमारा यहाँ मिथ बैठ चुका है, इट्स वेरी हार्ड, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 10 मिनट में आई विल प्रूव कि दुनिया का सबसे आसान काम है इंग्लिश सीखना, इट्स माई गारंटी। Within 10 minutes, I will prove कि English translation से आसान इस दुनिया में कोई language नहीं है सीखना, कोई भी English से आसान। फिर मैं अगले 10 मिनट में आपको ले चलूँगा, I will take you to the spoken part। फिर मैं आपको बताऊँगा कि spoken English, हम spoken English के नाम पर English ही सीखे जा रहे हैं, इसलिए हमें English बोलना नहीं आ रही। कोर्स का नाम रख देंगे स्पोकन इंग्लिश, क्लास का नाम है स्पोकन इंग्लिश, लेकिन पढ़ा क्या रहे, डू यहाँ लगेगा, डज यहाँ लगेगा। फिर मैं कहता हूँ अगर इसमें से मैं स्पोकन हटा दूँ तो ये तो इंग्लिश की क्लास चल रही है, ट्यूशन चल रहा है, डू यहाँ लगना है, डज यहाँ लगना है, जे मार यहाँ लगने, वॉज वर यहाँ लगने, भाई ये तो इंग्लिश है, इसे स्पोकन इंग्लिश क्यों बोल रहे हो फिर। यानी मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे तरीके जिससे यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन पार्ट ऑफ लैंग्वेज। आप देखिए आप यहाँ इंग्लिश सीखने भी नहीं आए हैं, आप सच में इंग्लिश बोलना सीखने आए हैं, पर इंग्लिश बोलना सिखाने के नाम पे आपको इंग्लिश सिखाए जाते हैं लोग। जैसे आप कहीं कार ड्राइविंग सीखने जाएं और वो आपको ये बताने लगे इसको स्टीयरिंग बोलते हैं, इसको इंजन बोलते हैं, इसको क्लिच बोलते हैं, इसको गियर बोलते हैं। जानकारी होना जरूरी है, पर केवल जानकारी देने से कार नहीं चलानी सीखनी आ जाएगी, कार चलानी सीखनी आएगी कार चलाने से। तो मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि स्पोकन में हम क्या करवाने वाले हैं आपके लिए। और तीसरा वी एंडिंग अप विद द कोर्स, मैं आपको कोर्स की डिटेल देने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कैसे पेमेंट, फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं राजू त्यागी जी, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, द टीम विल हेल्प यू आउट, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आवर टीम विल हेल्प यू आउट, आपकी टीम आपको, हमारी टीम आपको हेल्प आउट करेगी।
यू आर टेलिंग राइट, थैंक यू अमित कुमार यादव सर। जिसमें दो वर्ब रहेंगे उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? यादव साहब पूछ रहे हैं, अमित कुमार यादव जी। अमित जी वैसे थोड़ी देर बाद पूछ लीजिएगा आप, मैं एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर आप कोई भी सेंटेंस पूछ लीजिएगा। एक बात, दूसरी बात होता क्या है अमित, जो मैंने कोर्स डिजाइन किया है ना उसमें बिगिनिंग से शुरू किया है, बेसिक से। जब आपको बेसिक आ जाते हैं, मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको जब 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 आप ना पहली कुश्ती हल्के पहलवान से लड़ो, अगर आप पहले हल्के पहलवान से लड़के कुश्ती जीत गए तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर आप दो लोगों से भी लड़ लोगे, ताकतवर से भी लड़ लोगे। तो पहले एक सेंटेंस वाले सीखेंगे, एक वाव वाले, फिर दो वाव वाले, फिर छह वाव वाले भी बना लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट इम्प्रूव माई इंग्लिश दुर्गेश, डेफिनेटली, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए ऐसे स्टार्ट शुरू करते हैं, ठीक है? ओके राजू, बिल्कुल सही है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दुर्गेश। चलिए बिट्टू कुमार, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों डेमो क्लास उन लोगों के लिए होती है जो पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे होते हैं। कई बार समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि बोले सर मैं दो तीन बार ज्वाइन कर चुका हूँ, चार बार ज्वाइन कर चुका हूँ। तो देखिए मेरा काम क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं एक लड़के से मिला, मैंने उससे पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, उसने कहा जी रामलाल। चलो आप मिले, उसने कहा जी रामलाल। अब वो व्यक्ति आपको सप्ताह भर बाद मिला, आपने पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, उसने कहा जी रामलाल, तो आप क्या कहेंगे? अरे यार ये कोई बात हुई, तुम पिछले सप्ताह भी वही नाम बता रहे थे, अब की बार भी वही नाम बता रहे हो। भाई 50 साल बाद भी नाम तो वही रहेगा, तो हर बार नाम थोड़ी बदल देंगे वो पिताजी का। तो डेमो का मतलब होता है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने इस कोर्स को डिजाइन कैसे किया है, इस कोर्स में हम पढ़ाते कैसे हैं, हमारी स्टाइल क्या रहेगी। ये आप डेमो एक बार अटेंड कर लें या 25 बार अटेंड कर लें, सेम तरीके से, क्योंकि कोर्स तो सेम ही है ना। कोर्स के भाई मैं यही तो मान लो मेरे दो बच्चे हैं, आप मुझे आज मिलो कितने बच्चे सर, दो बच्चे। आप परसों पूछो सर कितने बच्चे, दो। अरे तो दो ही बच्चे रहेंगे ना, मैं थोड़ी बदल दूंगा। तो वो टाइम इंटू से यहां मैं डिटेल दे रहा हूं कोर्स की, प्लस कोर्स में किस स्टाइल से मैं पढ़ाने वाला हूं। तो जो नए लोग हैं उन्हें बड़ा इंटरेस्ट भी आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है, उन्हें लगेगा कि हाँ भाई कोई डिफरेंट तरीका है। आइए आप सुनिए। आर्मी बॉयज, भारत माता की जय। हमें आज तक ये सिखाया गया है, हमारे दिमाग में डर बैठा दिया गया कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। दरअसल मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे साथ गलती क्या हुई, आपने चार पांच जगह इंग्लिश क्लास ज्वाइन भी कर ली होगी, अब आप पता गलती क्या कर रहे हैं। आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने दाल ऑर्डर करी, दाल अच्छी नहीं बनी, वेटर लेकर आया था इस दाल को ए नाम का वेटर, आपने कहा नहीं तुम बेकार हो, बी नाम के वेटर से मंगवाई, फिर आपने दाल सी नाम के वेटर से मंगवाई, फिर आपने दाल डी नाम के वेटर से मंगवाई, फिर आपने दाल ई नाम के वेटर से मंगवाई। भाई साहब आप एक गलती करते जा रहे हैं, आप वेटर बदल रहे हैं, दाल तो बदल ही नहीं रहे। भाई ए वेटर भी वही वाली दाल लेके आएगा रसोई में से, बी वेटर भी वही वाली दाल लाएगा, सी भी वही वाली दाल लाएगा, डी भी वही वाली दाल लाएगा, ई भी वही वाली दाल लाएगा, तो दाल तो सेम रहेगी ना। दिक्कत आपको वेटर से थी या दाल से थी? अब मेरा उदाहरण समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपने इस टीचर से पढ़ा, इस टीचर ने भी पढ़ाया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब ये आते हैं, फिर आपने इस टीचर से पढ़ा, इसने भी पढ़ाया कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आते हैं, फिर इससे पढ़ा, फिर इससे पढ़ा, फिर इससे पढ़ा। भाई तुम 25 टीचर से भी पढ़ लो पर सबके पास तरीका तो सेम है, तरीका तो बदला ही नहीं जा रहा। तो आप सेम तरीके से भाई एक बात बताइएगा, अगर मैं इस पर सेम तरीके से मैं लिखूं आ, आप लिखें आ, और कोई लिखे आ, तो ये तो आई लिखा जाएगा ना। जब हम तरीका ही नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट भी नहीं बदलने वाला है। तो मैं अगले 7-8 मिनट में आपको बताऊंगा मैंने एक नया तरीका इजाद किया है, मैंने एक नया तरीका इनोवेट किया है इंग्लिश की ट्रांसलेशन करने का, जो आज तक ना आपने सुना होगा ना सोचा होगा, क्योंकि वो बनाया ही मैंने है। और मैं गारंटी देता हूँ वो इतना आसान है कि आज के बाद आपको ये सिर में दर्द ही नहीं पालना कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने, हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। और पहचान लिया तो फिर ये लफड़ा नहीं रहेगा सब्जेक्ट पहले आएगा या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब या ऑब्जेक्ट, आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगले 3 से 4 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। एक सेंटेंस मैं उदाहरण के तौर पर ले लेता हूँ, मोहित अपने भाई के साथ, बड़ा सेंटेंस ले रहा हूं मैं, अपने भाई के साथ
अगले सप्ताह इंग्लिश में बात कर सकता है। बड़ा सेंटेंस बना रहा हूं जानबूझ के, इंग्लिश में बात कर सकता है। बात कर सकता है। अब देखना ट्रांसलेशन कितना आसान है। पहले मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं कितना आसान है, इंग्लिश कितनी आसान है। दिमाग में बैठा दिया बड़ा मुश्किल है, ना, आसान है। तरीका आपने मुश्किल अपना लिया। आपको जब भी कोई ऐसा सेंटेंस इंग्लिश का दिखाई दे तो आज से पहले हमें ये सिखाया जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचान लो, फिर हेल्पिंग वर्ब पहचानो, फिर वर्ब पहचानो, फिर ऑब्जेक्ट पहचानो। फिर हमें बताया जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड। और बच्चा इसी में कन्फ्यूज हो जाता है और माथा पकड़ के बोलता है यार बड़ा मुश्किल है, इंग्लिश तो समझ में ही नहीं आती। एक तरीका मैं बताता हूँ, जब भी कोई सेंटेंस हिंदी का दिखाई दे कुछ मत करिए, उसका जो पहला शब्द है जिसको आप डूअर यानी वर्कर या कर्ता बोलते हैं, आप उसको काटिएगा और उसको सबसे पीछे लिख दीजिएगा। और हम सब ने सुना है कि भाई अंग्रेज सारे काम उल्टे करते हैं, हमारे यहाँ शादी पहले होती है, बच्चे बाद में होते हैं, अंग्रेजों का कोई भरोसा ही नहीं। उनके यहाँ बच्चे पहले हो जाएं, शादी बाद में हो या ना हो, कोई भरोसा ही नहीं। अंग्रेज सारे काम उल्टे करते हैं। अंग्रेजी भाषा किसकी? अंग्रेजों की। भाई साहब आप भी इसे उल्टा बना दो, जो का तो सेंटेंस इसको पीछे से बना दीजिए, जो का तो पीछे से। एक भी शब्द आपको आगे पीछे नहीं करना है। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? मोहित। पीछे से बनाइएगा, पीछे से मोहित। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सकता है, कैन। उसके बाद क्या लिखा है? बात करना, टॉक। उसके बाद जो का तो एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना, ना रटना, ना एक भी शब्द आगे पीछे होना। आगे क्या लिखा है? मे, इन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। उसके साथ के बाद क्या लिखा हुआ है? साथ, विद। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अपने भाई, विद हिज ब्रदर। मोहित कैन टॉक इन इंग्लिश नेक्स्ट वीक विद हिज ब्रदर। क्या एक भी शब्द आपको रटना पड़ा? क्या इसके बाद इस तरीके से जब भी आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, क्या आपको कुछ याद रखना पड़ेगा? पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा? क्या आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं? क्या आप ये भूल सकते हैं? और यार मैं तो भूल ही गया, पहले क्या लगाना था, इसमें भूलने जैसा कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने। आपको भूलना, मैं कह रहा हूं किसी अनपढ़ को बैठा दीजिए और उसको ये ट्रिक एक बार बता दीजिए, भाई हो सकता है उसे सकता है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये ना मालूम हो, पर वो ये गलती तो नहीं कर पाएगा कि आगे क्या आएगा पीछे क्या आएगा। मैंने कहा जो का तो पीछे से बनाइए, मोहित कैन टॉक इन इंग्लिश नेक्स्ट वीक विद हिज ब्रदर। सो मोहित अगले सप्ताह अपने भाई के साथ इंग्लिश में बात कर सकता है। ये ग्रामर ऐसे ही ठीक हो जाएगी आपकी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लाल मोहन जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। अब अगला उदाहरण समझिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जांपल उठा लीजिएगा आप। मैं आपको इसलिए ले रहा हूं थोड़े बड़े एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए। संजू को सुबह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए। संजू को सुबह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए। संजू आ गया, पहला शब्द काट दो संजू को आगे से और संजू को ले जाओ पीछे, और जो का तो सेंटेंस बना दीजिएगा पीछे से। यही तो हमने सीखा। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? संजू, लिख दिया आपने संजू। उसके बाद क्या लिखा है? चाहिए, बनाइए सेंटेंस फटाफट। संजू शुड। उसके बाद क्या चाहिए? खेलनी, प्ले। उसके बाद क्या लिखा है? क्रिकेट।
उसके बाद क्या लिखा है, सात वेद, फिर क्या लिखा है अपने दोस्तों विद हिज फ्रेंड्स, फिर लिखा है सुबह इन द मॉर्निंग संजू शुड प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। आप ट्रांसलेशन में बताओ क्या आज के बाद एक बार भी कंफ्यूजन हो सकता है, तरीका आसान है या नहीं है, बताइए जल्दी, टेल मी फास्ट। सरोज कुमार जी पूछ रहे हैं एक बार पेमेंट करने के बाद कितने दिन तक पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये 3 महीने का कोर्स है, 90 डेज का कोर्स है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है इफ वंस यू पे, नवीन जी अगर आप एक बार पे कर देते हैं तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपका, आज का कूपन कोड कुछ आप ऑफर कर रहे हैं क्या, DIWALI, क्या बात है, आपके लिए नवीन सर ने एक स्पेशल गिफ्ट भी दे दिया है सरोज, और गिफ्ट है दिवाली 30। अगर आप इस कोर्स को अभी बाई करते हैं जब तक ये आपका क्लास चल रही है, अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन पे जाइए इस कूपन कोड को अप्लाई करिएगा, तो ये 555 की जो हमारी फी है 555 की, अभी आपको केवल 388 रुपये देने पड़ेंगे, 388। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, ये 3 मंथ्स के पैसे नहीं हैं, ये आपके लाइफ टाइम के पैसे हैं, लाइफ टाइम के। ध्यान रखना ये ना आपको एक बार पे करने के बाद अगले महीने देने हैं दूसरे, ये हर महीने की फ़ी नहीं है, ये 3 महीने का कोर्स है और ये लाइफ टाइम की फ़ी है। वंस यू हैव पेड द फी, एक बार अगर आपने हमें फ़ी पे कर दी, उसके बाद इस कोर्स की वैलिडिटी आपके मोबाइल में लाइफ टाइम तक रहने वाली है, यानी केवल मात्र 388 रुपये देकर आप इतने आसान तरीकों से इंग्लिश सीख सकते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 3 मंथ्स का कोर्स हो गया आपको, उसके बावजूद भी कोई चैलेंजेस हैं, उसके बाद भी कोई समस्याएं हैं, यू कैन, आपके मोबाइल में इट विल रिमेन द होल लाइफ, सारी जिंदगी ये कोर्स आपके मोबाइल में रहने वाला है। मैंने अप्रैल में लिया था, सुरेश जाधव जी कह रहे हैं अब तक चालू है, नो प्रॉब्लम, ये सारी जिंदगी रहेगा सुरेश जाधव जी, इट विल बी फॉर लाइफ टाइम। सर मीनिंग कैसे याद करें, शमशाद का एक बहुत अच्छा सवाल है, शमशाद इस सवाल को आप बचा के रखिएगा, राघव जी थैंक यू सो मच, आपने सवाल पूछा है बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे इंटरेस्ट का सवाल पूछ लिया, लेकिन ये थोड़ा सा मैं इंग्लिश से अलग चीज़ बताऊंगा इसके बारे में आपको, चलो पूछ लिया तो अभी बताता हूँ, मैं कोर्स की डिटेल दे रहा था लेकिन अभी बता देता हूँ। सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम मीनिंग्स याद करते हैं, बच्चों एक बात समझ लेना जो ताज़ा है। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, जब आपने सवाल ही पूछा, 3 मिनट लूंगा मैं आप लोगों के इस टॉपिक पर, टीचर पढ़ाता है बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है और बच्चा पढ़ता है, घर जाके याद कौन करता है, टीचर या बच्चा, जल्दी बताओ टीचर या बच्चा कौन ज्यादा याद करता है। रितेश कुमार जी थैंक यू सो मच, जल्दी बताइए, टीचर पढ़ाता है बच्चा पढ़ता है, घर जाके याद कौन करता है, टीचर या बच्चा, घर जाके याद कौन करता है, बच्चा। अभिषेक सिंह, अब मेरे सवाल का जवाब सब सोचिएगा, जितने दे सकते हैं जवाब दीजिएगा वरना सोचिएगा सब, और 2-4 दिन बाद शाहरुख खान जी, सरोज कुमार जी, 2-4-5 दिन बाद दुर्गेश, भूल कौन जाता है, बच्चा भूलता है या टीचर भूलता है, जल्दी बताओ भाई, घर जाके याद भी किसने किया, बच्चे ने, और 2-4 दिन बाद भूल भी कौन गया, टीचर या बच्चा, बच्चा, टीचर कभी नहीं भूलता, कायदे से तो भूलना किसको चाहिए था, टीचर को भूलना चाहिए था ना भाई, वो तो पढ़ा रहा है बच्चा, वो पढ़ा रहा है बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसको दोबारा घर जाके याद कौन कर रहा है, बच्चा, टीचर तो घर जाके याद भी नहीं कर रहा, तो वो टीचर क्यों नहीं भूलता और बच्चा क्यों भूल जाता है, समझिएगा इसके पीछे की साइंस, समझिएगा इसके पीछे की साइकोलॉजी, समझिएगा, जो चीज गर्म है वो क्या हो जाएगी ठंडी, अगर चाय ला के रख दी जाए थोड़ी देर बाद वो 15-20 मिनट में आधे घंटे में क्या हो जाएगी, ठंडी, जो चीज ताजा है वो क्या हो जाएगी, जो चीज बासी है वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, अगर कोई चीज आपको फ्रेश दी जाए, ताजा चीज दी जाए, वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, बासी, यानी कोई भी चीज किस में बदल जाएगी, अपने अपोजिट में, गर्म है तो किस में बदल जाएगी, ठंडे में, ताजा है तो किस में बदल जाएगी, बासी में। अब ध्यान रखना याद का अपोजिट क्या है,
भूलना, जो भी आप जिंदगी में याद करेंगे गारंटी से आप उसे भूल लेंगे जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई चीज याद करें और उसे भूलें ना। फिर ऐसा कैसे हो कि वो हमें परमानेंट याद रह जाए? टीचर क्यों नहीं भूलता? दरअसल टीचर उसे याद नहीं करता है, टीचर दो काम करता है, एक तो टीचर पढ़ाई देता है और हम पढ़ाई लेते हैं। आप मुझे बताओ, उधार देने वाला भूल जाता है कुछ समय बाद या उधार लेने वाला? बिल्कुल सही, उधार लेने वाला। उधार लेने वाला भूल जाएगा, देने वाले को तो इतना भी याद रहेगा, अरे सर उस दिन आप दिल्ली में मिले थे मुझे, आपने नीली जैकेट पहन रखी थी, नीली से टी शर्ट थे आपके पास, आपके हाथ में मोबाइल था, आप जूते पहन के आए थे, आप गाड़ी से आए थे, आपने मुझसे 500 रुपए लिए थे। और लेने वाला कब लिए थे? यानी लेने वाला भूल जाता है, देने वाला कभी नहीं भूलता। टीचर पढ़ाई देने वाला है, हम पढ़ाई लेने वाले हैं, लेने वाला हमेशा भूल जाएगा, देने वाला कभी नहीं भूलता। टीचर पढ़ाई देता है यानी शेयर करता है। अगर आप कोई भी चीज़ परमानेंट याद करना चाहते हैं तो उसे शेयर करना शुरू कर दीजिए, उसे देना शुरू कर दीजिए, उसे दूसरों को बताइए। मीनिंग याद मत करिए, मीनिंग यूज करिए। मान लीजिए आज आपने 10 वर्ब्स लिए हैं, 10 वर्ड्स लिए हैं, तो आज पूरे दिन में कम से कम इन 10 वर्ड्स को 10 times लोगों को बता देना है, लोगों को दे देना है, लोगों से शेयर कर देना है, बोल देने हैं। जब ये बोल देंगे तो होगा क्या, ये आपके आ जाएंगे मसल्स मेमोरी में। किस में आ जाएंगे? ये मसल्स मेमोरी में। चलिए स्पोकन वाला पार्ट भी आ गया तो मैं यही कवर कर दूंगा स्पोकन वाले पार्ट को भी। आज तक आप इतनी इंग्लिश सीखने के बावजूद भी इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि कभी भी आपने इंग्लिश मसल्स मेमोरी से सीखी ही नहीं, आपने इंग्लिश हमेशा सीखी है ब्रेन मेमोरी से। समझना बहुत ध्यान से इस पॉइंट को, इसी में आपको समझ में आ जाएगा हमारा कोर्स औरों से अलग क्यों है। दरअसल हमने इंग्लिश सीखी है हमेशा किससे? मसल्स मेमोरी से सीखी ही नहीं है हमने। नवाब, हमने किससे सीखी है? बिल्कुल ट्रांसफर नॉलेज, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है नवाब आपने, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है आप समझने की। बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट। अरे वाह क्या बात है, आप बड़े इंटरेस्टेड लोग हैं। अब पॉइंट, अगर इस पॉइंट को समझ गए ना बच्चों आप, तो आप समझ जाएंगे मेरा कोर्स औरों से डिफरेंट क्यों, पहली बात। और ये केवल इंग्लिश में ही हेल्प नहीं करेगा, आपकी पढ़ाई में आज के बाद अगर आप भूल जाएं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं आपको जो तरीका बताऊं। एक्चुअली वी हैव टू काइंड्स ऑफ मेमोरी, एक ब्रेन मेमोरी, एक मसल्स मेमोरी। कभी आपने गौर किया है जब आप स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हैं और आपसे पूछा जाता है इंग्लिश को लेकर आपको क्या प्रॉब्लम है, तो 90% बच्चे बोलते हैं सर हम समझ तो लेते हैं पर बोल नहीं पाते। ध्यान देना, 90% का जवाब होता है सर हम इंग्लिश समझ तो लेते हैं पर बोल नहीं पाते। क्या आप कन्नड़ समझ लेते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सर इंग्लिश कन्नड़ आती नहीं है। क्या आप फ्रेंच समझ लेते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रेंच आती नहीं है। क्या आप चाइनीज समझ लेते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको चाइनीज आती नहीं है। क्या आप इंग्लिश समझ लेते हैं? यस सर। इसका मतलब इंग्लिश आपको आती है। आती है तो फिर इस कोर्स में क्या करना है? एक्चुअली इंग्लिश हमारे दिमाग को तो आती है, हमारी टंग को नहीं आती। बचपन से लेकर जब तक आपने इंग्लिश सीखी है, आपके दिमाग को इंग्लिश सिखाई गई है, मसल्स को नहीं सिखाई गई। उदाहरण देता हूँ, आपको मालूम है इंग्लिश समझ में क्यों आ जाती है? क्योंकि 15 साल आपने इंग्लिश समझने का ही काम किया है। टीचर क्लास में आई जब आप फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में थे, A4 एप्पल पढ़ा के पूछा बेटा समझ में आया, आपने कहा यस मैम। फिर टीचर क्लास में आई सेकंड थर्ड में, आपसे ABCD पढ़ाई समझ में आया, यस मैम। फिर सेकंड में आप आए, एप्पल पढ़ाया बेटा समझ में आया, आपने कहा यस मैम। फिर फिफ्थ सिक्स में आपको टेंस पढ़ाई बेटा समझ में आया, आपने कहा यस सर। फिर 9th 10th में आपको पोएम्स पढ़ाई गई, आपसे पूछा समझ में आया, आपने कहा यस सर। फिर ग्रेजुएशन में आपको लिटरेचर पढ़ाया गया इंग्लिश का और आपसे पूछा समझ में आया, आपने कहा यस सर। भाई बचपन से आज तक आप इंग्लिश समझते ही तो आए हैं, तो इंग्लिश आपको समझ नहीं आती है, आप बोलते हुए नहीं आए। और दिक्कत ये हो गई, इंग्लिश हमारे दिमाग को तो आती है पर टंग को नहीं आती। अफसोस ये है, अब जब आपको इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हैं तो वो भी फिर से आपके दिमाग को ही इंग्लिश सिखाने लगते हैं। डू यहाँ लगेगा, डज यहाँ लगेगा, इज एम आर यहाँ लगेगा, वुड यहाँ लगेगा, शुड यहाँ लगेगा, कुड यहाँ लगेगा, और आप बड़े खुश होने लगते हैं। या और फिर टीचर भी पूछता है बेटा समझ में आया, स्टूडेंट कहता है यस सर, तो ये तो 15 साल से समझ में आ रहा था या समझने आए थे क्या? You came here to practice, you came here to learn how to speak English. आप ये इंग्लिश सीखने आए थे तो इसलिए मैं कहता हूँ मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा मसल्स से। और याद रखना मेरे बच्चों, वोकैबुलरी भी मसल्स से सीखनी है आपको, मसल्स से। जब आप मसल्स से कोई चीज़ सीखते हैं यू नेवर फॉरगेट। एक ब्रेन मेमोरी होती है, एक मसल्स मेमोरी। एग्जाम्पल देता हूँ, जिसने ज़िंदगी में एक बार तैरना सीख लिया
क्या वो दोबारा कभी तैरना भूल जाएगा? अगर उसे 10 साल बाद भी तैरना पड़ गया, बताओ तैर पाएगा या नहीं? जल्दी बताओ, टेल मी फास्ट स्टूडेंट दिलकुश, क्या बात है, मुझे जल्दी से बताइए। निकिता बिल्कुल डेफिनेटली होगा, आप लोग आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस फॉर दैट ऑल्सो। फिलहाल मेरा पॉइंट बताइए अभिषेक सैन गुप्ता जी, अगर सरोज कुमार अगर उसे 10 साल बाद भी तैरना पड़ जाए, एक बार उसने तैरना सीख लिया, वो 10 साल 15 साल बाद भी अपने गांव आएगा तो नदी में तैर पाएगा? अगर किसी ने एक बार साइकिल चलानी सीख ली, वो उसके 10 साल बाद भी दोबारा साइकिल उसे मिल गई और चलानी पड़ गई, तो चला लेगा या नहीं चला लेगा? बिल्कुल चला लेगा। किसी ने एक बार खाना बनाना सीख लिया, वो कभी खाना बनाना नहीं भूलती, ध्यान रखना इन बातों को। जिसने एक बार कपड़े सिलने सीख लिए, जिसने एक बार बाल काटने सीख लिए, वो कभी बाल काटना नहीं भूलता, वो कभी कपड़े चलाना नहीं भूल कपड़े सिलना नहीं भूलता। जिसने गिटार बजाना एक बार सीख लिया, ऐसा तो हो सकता है उसको हाथ जमाने में एक दो मिनट लगे, लेकिन वो कभी गिटार चलाना नहीं भूलता, गाड़ी चलाना नहीं भूलता, साइकिल चलाना नहीं भूलता। छोड़ दो सारी बातें, हमारे गांव में महिलाएं जो होती हैं, हमारे गांव में चाची ताई, हमारी मम्मियां जो होती हैं, भाभियां जो होती हैं, वो शादियों में गीत गाती हैं, और उनमें से 90% महिलाएं अनपढ़ होती हैं, उन्होंने कभी वो गीत पढ़े ही नहीं होते, उसके बावजूद वो कभी उन गीतों को नहीं भूलती, जबकि हर शादी के सीजन में कम से कम 6 महीने का गैप आता है, तो ये भूल क्यों नहीं जाती इन 6 महीनों में? तुम तो 6 महीने तो छोड़ दो, 6 घंटे में भूल जाते हो क्या पढ़ाता, 6 मिनट में भूल जाते हो क्या पढ़ाता, 6 दिन में भूल जाते हो क्या पढ़ाता, ये 6 महीने में भी उन गीतों को वापस से क्यों नहीं भूलती और 60 साल तक गाती हैं पर कभी भूलती नहीं? क्योंकि हर बार ये किसका प्रयोग करते हैं, टंग का, मसल्स मेमोरी, इनके दिमाग ने वो की। हनुमान चालीसा आपको क्यों याद है? आप में से कितने लोग हैं जिसने पेपर पे लिख के हनुमान चालीसा याद करी है भाई? आप में से कितने लोग हैं जिसने ऐसे पढ़ कुरान की आयत है, आप में से कितने को याद है? कौन भूल गए आप में से? ये सारी चीजें हमने सीखी है मसल्स के थ्रू, टंग के थ्रू, मसल्स मेमोरी, इसलिए वी नेवर फॉरगेट। अब की बार मैं इंग्लिश भी आपको सिखाऊंगा मसल्स मेमोरी के थ्रू, और मैं कुछ एक्टिविटीज आपको देने वाला हूं, इन एक्टिविटीज को मैंने इसलिए नाम दिया है RLS। आपको सही बताऊं, आप भी इंग्लिश के नाम पे ऐसा टीचर ढूंढते हैं जो पढ़ाता रहे आपसे कुछ ना करवाए, क्यों फिर आपको जोर पड़ता है करने में? मैं बस इतना कहना चाहता हूं भाई, एक बात समझ लेना, इंग्लिश बोलना बोलने से ही आएगा, एक्टिविटीज मैं बताऊंगा, तरीके मैं बताऊंगा, करना आपको पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी है, गारंटी है, यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। क्या है तरीका? तरीका है रीड इट लाउड। तरीके का नाम क्या है? रीड इट लाउड। अब क्या है ये रीड इट लाउड तरीका? दरअसल हम में से 90% की समस्या ये है कि सर मैं बोलूं कैसे, मुझे इंग्लिश तो आती ही नहीं। तो मैं कहता हूं जब आपके पास खुद के पास पैसे ना हो तो आप पैसे किस पे ले लेते हैं? लोन पर। तो आप इंग्लिश को भी किस पे ले लीजिए? लोन पर। अब ये लोन पर इंग्लिश कैसे ली जाती है? इंग्लिश लोन पर कैसे ली जाती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। 2-3 एग्जाम्पल, 2 बातें समझा रहा हूं बच्चों। अगर आप इसके पीछे की टेक्निक समझ गए, टेक्नोलॉजी समझ गए, साइकोलॉजी समझ गए, तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। आपको करना क्या है, बेशक आपके पास इंग्लिश नहीं है, इन किताबों के पास तो इंग्लिश है, आप कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी आर्टिकल गूगल पे उठाइए और आपको उस आर्टिकल को इंग्लिश में बोल बोल के पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है, बोल बोल कर, रीड इट लाउड। आपको इंग्लिश नहीं आती, जरूरत ही नहीं आपको इंग्लिश आने की। आप क्या करिए, द यंग मैन ऑफ टुडे आर द सिटीजंस ऑफ टुमारो, इन कोर्स ऑफ टाइम दे विल टेक द प्लेस ऑफ आवर प्रेजेंट लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, इट इज ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ दैट द फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर इज लेड इन फ्री इंडिया, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप ध्यान दीजिए, अब जब मैं ये इंग्लिश अभी मैं बोल के आ रहा हूँ पिछले 1 मिनट से, इंग्लिश ये मेरे दिमाग में तो नहीं है, किताब में तो है। 8th पास तो होंगे आप, 10th पास तो होंगे आप, 12th पास तो होंगे, देख के तो पढ़ सकते हो, देख देख के। लेकिन जब आप देख के भी पढ़ रहे हो, उस समय आपकी टंग को प्रैक्टिस किस चीज की हो रही है? इंग्लिश की। और अब एक जादू होगा, जादू बताता हूं क्या होगा। अभी हमने ये कहा था कि आपने 15 साल तक इंग्लिश समझी है, यानी कहीं ना कहीं वो इंग्लिश कहाँ है आपके? मैंने कहा था ना, इंग्लिश समझ में क्यों आ जाती है, क्योंकि दिमाग को तो आती है। अब उस दिमाग की इंग्लिश को टंग पे कैसे लाएं, वो जादू समझाता हूं। आप में से अगर कोई गांव से बिलोंग करता हो, गांव से ना हो तो भी आपने शहर में भी नोटिस किया होगा, गर्मियों में हैंडपंप से ना पानी सूख जाता है। सूख जाना मतलब हैंडपंप से यानी नल से पानी नहीं निकलता,
तो अगर कोई गांव से बिलोंग करता हो तो वो जानता होगा जब हैंडपंप का पानी सूख जाता है, नल से पानी सूख जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि जमीन में से पानी खत्म हो गया। जमीन में तो हजारों करोड़ों अरबों लीटर गैलन पानी है, पर वो बाहर नहीं आ रहा। तो बताओ जरा, उसे बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर से क्या करते हैं, बताओ। बिल्कुल सही, ऊपर से एक गिलास या एक लोटा पानी डालते हैं और एक दो हैंडपंप चलाते हैं, और जैसे ही ये ऊपर से डाला गया पानी, बाहर से डाला गया पानी नीचे वाले पानी से जाकर मिलता है, तो वो नीचे पाने वाला पानी बाहर आना शुरू कर देता है। और जो नल अभी तक पानी नहीं दे रही थी, उसमें लाखों करोड़ों लीटर पानी नीचे तो था, बस बाहर ही तो नहीं आ रहा था। जैसे ही नीचे का पानी बाहर वाले पानी से मिला, जैसे ही अंदर का पानी बाहर वाले पानी से मिला, अंदर वाला पानी बाहर आने लगता है। आपके दिमाग में बहुत सारी इंग्लिश पड़ी हुई है, जो पड़ी हुई है ना वो पड़ी हुई है, बस उस पड़ी हुई को दोबारा पड़ी हुई इंग्लिश से, जैसे ही बाहर से इंग्लिश आप बोलेंगे, किताब में से देख के इंग्लिश बोलेंगे, और ये वाली इंग्लिश जाकर आपके दिमाग में पड़ी हुई इंग्लिश से टकराएगी, तो वो अंदर की इंग्लिश भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। आपको रीड इट लाउड, आपको डेली 15-20 मिनट एक एक्टिविटी करनी है, कोई भी इंग्लिश की, कोई भी कॉमिक्स उठा लीजिए, कोई बुक उठा लीजिए, कोई टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, कोई न्यूज़पेपर उठा लीजिए। डेली यू पीपल हैव टू प्रैक्टिस फॉर 15-20 मिनट्स। आई कैन गारंटी जिसने 21 दिन तक ये एक्टिविटी कर ली, वो बाय डिफॉल्ट उसकी टंग जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएगी, और उसको इंग्लिश में बोलने में बहुत जल्दी उसको ऐसा लगेगा, आई एम बीइंग कन्वीनियंट, आई एम बीइंग कंफर्टेबल, उसको बहुत आसानी हो जाएगी इंग्लिश बोलने में। गेटिंग माई पॉइंट? सुरेश जी ने कहा बिल्कुल पानी डालना पड़ता है। आसरा बेगम जी मैं शानदार हूं, तो वो बाहर से पानी हमें डालना है। तो ये जो रीड इट लाउड वाली एक्टिविटी है ना, और इसको हमने आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सही बताऊं तो हमने अपने कोर्स को डिजाइन ही ऐसे किया है कि मैंने इसी कोर्स में आपको, हमने इसी कोर्स में ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है कि डोंट गो एनीवेयर एल्स, आपको कहीं तलाशने की जरूरत नहीं है, कहां से किताब लाऊं, कहां से न्यूज़पेपर लाऊं, कौन से, हालांकि अब तो गूगल में सब है, नेट पे सब कुछ है, पर आप चाहें ना तो हमारे इसी कोर्स के अंदर हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, अगर आप जाएंगे तो, इफ यू गो टू दैट, वहां पर एक प्रैक्टिस का ऑप्शन आएगा ऐप में, ठीक है, ऐप में आपको एक प्रैक्टिस का ऑप्शन मिलेगा, उस प्रैक्टिस के ऑप्शन में ही हमने ये बताया गया कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट मेरा आज के लिए, फिर आपके क्वेश्चंस लूंगा मैं, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, आज के लिए मेरा लास्ट पॉइंट है, एक बात और दिमाग में बच्चों, हमारे दिमाग में वी हैव बीन टॉट, हमारे दिमाग में घुसा दी गई है कि प्रैक्टिस करने के लिए वी नीड पीपल, झूठ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। प्रैक्टिस करने के लिए वी डोंट नीड एनीबडी, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ देखो, एक बात समझना बेटा, जरा मेरे सवाल का जवाब देना, एक सवाल पूछता हूँ, हमें यही तो बताया गया हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आप कैसे सीखेंगे, आपका तो बैकग्राउंड नहीं है, हिंदी बैकग्राउंड से हो, हिंदी स्कूल से हो, गाँव के रहने वाले हो, या टीयर टू टीयर थ्री सिटी के रहने वाले हो, आस पड़ोस में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। गलत बात, इंग्लिश के लिए लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उदाहरण देता हूं, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा, बताओ कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए, जल्दी से आंसर देना, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए, जल्दी बताओ मुझे, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए, जल्दी फास्ट। हाँ हाँ सर्वेश पांडे जी, क्या क्या बात है, चंद्रशेखर क्या बात है, चंद्रेश मिश्रा जी गजब की बात कही आपने, दुर्गेश यादव कह रहे हैं रस्सी, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल आपने गजब की बात कही है। अरे वाह, मान गया मैं आप लोगों को जवाब, नहीं तो मैं जब इसको ऐसे करता हूँ ना, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए, तो 90% लोग बोलते हैं जी रस्सी। मैं कहता हूँ यार कपड़े सुखाने के लिए रस्सी थोड़ी चाहिए, धूप चाहिए। अब समझना, प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्टिविटी चाहिए दो, लिसनिंग और स्पीकिंग। आपको लोग नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, देखो लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर हो, लोग हो, भाई एक बात तो बताओ, मेरे घर में अगर इंग्लिश बोली जाती, मेरे दोस्त इंग्लिश बोलते, मेरे क्लासमेट्स इंग्लिश बोलते, मेरे पड़ोसी इंग्लिश बोलते, मेरे रिश्तेदार इंग्लिश बोलते, तो मैं इस कोर्स में क्या भजिए तलने आता, फिर मैं
फिर वाई वुड आई कम इन टू दिस कोर्स, मैं इस कोर्स में आऊंगा क्यों भाई, मुझे जरूरत ही क्या पड़ेगी इस कोर्स की, फिर तो आई वुड हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश भाई, जब मेरे सारे दोस्त जान पहचान वाले घर वाले पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार सारे अंग्रेजी बोल रहे होते तो मैं क्या एलियन हूँ जो मंगल ग्रह से आया हूँ, मैं भी तो इंग्लिश ही बोल रहा होता। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि आई डोंट हैव एनीबडी। राहत इंदौरी साहब के एक शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मेरे पास कोई नहीं आएगा इंग्लिश बोलने वाला तो मैं इंग्लिश ही नहीं सीखूंगा। मैंने 3 एक्टिविटीज ऐसी बनाई हैं जिसमें देखो आपको एक्टिविटीज चाहिए, लोग नहीं, सोचो आपके दोस्त होते इंग्लिश बोलने वाले, रिलेटिव होते, कोई भी होता, तो आप उनके साथ करते क्या, वो इंग्लिश बोलते आप सुनते फिर आप पलट कर जवाब देते, यानी आप बोलते। तो अगर ये 2 एक्टिविटी आप खुद कर लें, लिसनिंग, वैसे वैसे तो हमने इस कोर्स में ही दिया हुआ है, मैंने आपको ऑप्शन दिया गया दिया हुआ है इस कोर्स में इंग्लिश का उसका। अच्छा आज इंटरनेट का इशू है हमारे यहाँ पर, कोई बात नहीं, हमारे कोर्स में जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे ना तो आप एप्लीकेशन में देखेंगे हमने हर वीडियो के बाद एक ऑप्शन दिया गया है प्रैक्टिस, उस प्रैक्टिस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो 3 आर्टिकल हर वीडियो के बाद मिलेंगे आपको, यू हैव टू रीड देम लाउड, आपको उनको जोर जोर से पढ़ना है, और वहीं पे एक ऑप्शन आएगा लिसन, सुनने का, वहां आपका अगर प्रोनंसिएशन गलत हो रहा है तो लिसनिंग जब आप करेंगे तो आपका प्रोनंसिएशन इंप्रूव हो जाएगा। तो लिसनिंग और स्पीकिंग की दोनों एक्टिविटी हमने अपने कोर्स में डाल दी है, 3 एक्टिविटी मैंने आप लोगों के लिए और बनाई है जिसमें आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन एक्टिविटीज को मैंने नाम दिया। देखो बच्चों 1,00,000 से ज्यादा को इंग्लिश बोलनी सिखाई है, 16 साल से ज्यादा का अनुभव है, 1,00,000 से ज्यादा को इंग्लिश बोलनी सिखाई है, और 90% उनमें से भाई इंग्लिश क्लास में आएगा कौन, जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी, हिंदी बैकग्राउंड वाले वही तो आएंगे, जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है वही तो आएंगे, जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती वही तो आएंगे, जिनके घर में इंग्लिश, तो आपको लगता होगा सर मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, तो आपको क्या लग रहा है मैंने जो 1,00,000 को सिखाई है वो किनको सिखाई है, जिनको आती थी भाई, मैं उन्हीं को तो सिखाई होगी जिनको नहीं आती होगी। Let it be housewife, let it be students, let it be professionals, let it be business owner, let it be job seekers, let it be anybody, हर एक व्यक्ति को उसको इंग्लिश आ जाएगी जो इंग्लिश सीखना चाहता है। तो ऑब्जेक्ट स्पीकिंग, सब्जेक्ट स्पीकिंग और कीवर्ड स्पीकिंग, तीन एक्टिविटीज मैंने आपको सिखाई है इस कोर्स में, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल एक कीवर्ड स्पीकिंग का उदाहरण दे देता हूं, आपको लगता है सर मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूं, मैं कहता हूं किसी की जरूरत नहीं है, आप कहते हैं सर फिर मैं कैसे करूं, पहले तो डेली 15-20 मिनट रीड इट लाउड, किताब आर्टिकल जो भी हाथ लग जाए उसे 15-20 मिनट पढ़ो, पोल बोल के पढ़ो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद 5-10 मिनट दिन में 2-3 बार ये कर लो कीवर्ड स्पीकिंग। क्या होती है कीवर्ड स्पीकिंग, आफ्टर एवरी एक सेंटेंस बोलो बस इंग्लिश का, कोई भी एक सेंटेंस वहीं बैठे बैठे बोलो, कोई भी एक सेंटेंस, मैं बोलता हूँ माई नेम इज अमर चौधरी, अब इस सेंटेंस में की वर्ड आया है अमर चौधरी, अगला सेंटेंस में इसमें बना दूंगा अमर चौधरी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, अब इस सेंटेंस में से की वर्ड निकाल लो मोटिवेशनल स्पीकर, मिस्टर संदीप माहेश्वरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया, अब आपने की वर्ड निकाल लो इंडिया, इंडिया इज माई कंट्री, अगला कीवर्ड आ गया कंट्री, आई लव माई कंट्री, अगला कीवर्ड आया लव, आई लव माई फैमिली, अगला कीवर्ड आया फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, अगला कीवर्ड आया मेंबर्स, माई फादर, माई मदर, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, या माई सिस्टर ब्रदर जो भी आप बोलेंगे, अगला कीवर्ड आया फादर, आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट माई फादर, ही इज अ बिजनेस मैन, ही गोज टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, ही कम्स इन द इवनिंग, देन वी टेक डिनर टुगेदर, ही इज अ ग्रेट पर्सन, फिर आया मदर, आई वुड लाइक टू टॉक समथिंग अबाउट माई मदर, शी इज अ ग्रेट लेडी, शी हेल्प्स मी अलॉट, शी मेक्स गुड फूड फॉर अस, शी लव्स मी अलॉट, फिर आया ब्रदर, फिर आया सिस्टर, माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई, ही इज परसुइंग MBA फ्रॉम देयर, अब आया मुंबई, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू मुंबई, फिर आया मुंबई, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू मुंबई बिकॉज आई लव, आई वॉन्ट टू वर्क इन मूवीज, फिर आया मूवीज, आंखें इज माई फेवरेट मूवी, फिर आया फेवरेट, गोविंदा इज माई फेवरेट एक्टर, फिर आया एक्टर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, दैट्स वाई आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू मुंबई, फिर आया मुंबई, वंस आई विल गो टू मुंबई एंड आई विल कम बैक फ्रॉम देयर नेक्स्ट ईयर, फिर आया नेक्स्ट ईयर, आप सारी जिंदगी भी बोलते रहेंगे तो ये सेंटेंस नहीं खत्म होंगे। If you really want to practice, तो practice, देखो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, excuse and success can't walk together, बहानेबाजी और कामयाबी कभी भी एक साथ नहीं चल सकती। तुम्हें बहाने ढूंढ रहे हो इंग्लिश ना सीखने के तो 1,000 बहुत हैं, और कारण और तरीका ढूंढ रहे हो तो मेरे पास है। यू पीपल हैव टू डिसाइड, ये तीनों एक्टिविटीज ऐसी हैं, और दूसरा मैंने बताया रीड इट लाउड। एक बात और दिमाग से निकाल देना, आपको कोई भी काम रोज नया नया नहीं करना,
आप ये चार एक्टिविटीज 3 महीने लगातार कर लीजिए, जिसको इंग्लिश ना आए इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दूंगा, मेरी गारंटी है। अगर आपने रिलीजियसली ये एक्टिविटीज कर ली ईमानदारी से, ऑब्जेक्ट स्पीकिंग, सब्जेक्ट स्पीकिंग, कीवर्ड स्पीकिंग और रीड इट लाउड RIL यानी लिसनिंग और RLS फॉर्मूला, आप समझो। हमें लगता है सर और एक्टिविटी, मैं कहता हूँ आपको ये चार ही एक्टिविटी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ लू ना आज आपने क्या खाया था, आप कहेंगे सर दाल। अगर मैं पूछ लू कल का क्या खाया था, आलू टमाटर। फिर आपसे पूछू कल क्या परसों क्या खाया था, सर आलू बैंगन। फिर मैं आपसे पूछ लू तरसों क्या खाया था, सर कढ़ी। और मैं लिख के दे सकता हूं 5वें दिन वापस से दाल बनी होगी आपके घर में। हम पिछले 20-25 साल से 4 दाल 4 सब्जियां 5 सब्जियां खा के जिंदा हैं। रोज वही गेहूं की रोटी खाते हैं, रोज 4थे दिन वही पलट के सब्जी खाते हैं। अगर मैं पूछ लूं आपके पास कितने कपड़े हैं, आप में से किसी के पास 3 जोड़ी होंगे, 4 जोड़ी होंगे, मैक्स टू मैक्स 5 जोड़ी होंगे। ये 4-5 जोड़ी मुझे पूरे 1 साल का काम, ऐसा थोड़ी है 365 दिन होते हैं तो मुझे कपड़े भी 365 चाहिए। अरे जो ये वाला कपड़ा 3 दिन बाद फिर पहन लूंगा, ये वाला कपड़ा फिर 2 दिन बाद पहनूंगा, ये वाला कपड़ा। आपको केवल 3-4 एक्टिविटीज चाहिए जो लगातार 3 महीने तक यू नीड टू डू। मेरी गारंटी है यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कोर्स को डिफाइन कर दूं, 90 डेज का कोर्स रहेगा, डेली एक वीडियो ओपन होगा, 1 वीडियो डेली। हमने ये कोई वेब सीरीज थोड़ी बनाई है कि आपको वेब सीरीज दिखा रहे हैं, पूरा कोर्स एक दिन में दे देंगे, लो रख लीजिए जेब में। आप तो उसको देख के भूल जाएंगे, आप सीखेंगे नहीं, बेइज्जती हमारी हो जाएगी। यार उनका कोर्स हमने लिया था, हमें इंग्लिश नहीं आई। 1 वीडियो डेली, 10 वर्ड्स आपको डेली नए मिलते हैं, PDF में नोट्स मिलते हैं। PDF में आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, डेली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, लास्ट में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ऑटोमेटिकली, वहीं पर वो जनरेट हो जाएगा। और एक डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है वंस इन अ वीक। आपका कोई भी डाउट हो, पहली बात तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिसे ईमानदारी से इंग्लिश सीखनी होगी, 1,00,000 लोगों का अनुभव लगा हुआ है इस कोर्स को डिजाइन करने में, आपके मन में वो डाउट वो क्वेश्चन ही नहीं आ सकता जो मैंने ऑलरेडी वहां पर डिस्कस ना किया हो। जब मैं डू पढ़ाऊंगा, डज पढ़ाऊंगा, जब मैं प्रैक्टिस करने के तरीके बताऊंगा, वोकैबुलरी याद करने के तरीके बताऊंगा, तो मैं जानता हूं कि बच्चे को ये डाउट या दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मैंने इतने लोगों को पढ़ा लिया। आपको नया डाउट तो पैदा कर नहीं देंगे आज, कि ऐसा तो है ही नहीं कि आज तक जिन 1,00,000 लोगों के मन में डाउट नहीं आया, सर मैं नया डाउट बना के लाऊंगा, ऐसा तो हो नहीं जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी प्रॉमिस यू, अगर आपने ईमानदारी से सीखा मेरी जिम्मेदारी, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। अभी अगर आप इस कोर्स को बाई करते हैं तो आपके लिए गिफ्ट है, गिफ्ट का नाम है दिवाली 30। नीचे एक लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर जाकर डायरेक्ट पे कर सकते हैं, या स्किलिंग यू एप्लीकेशन डाउनलोड करके पे नाउ पे जाएंगे तो वहाँ दिवाली 30 का कूपन कोड डालिएगा, 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 555 की फी है, 555 की, आपको 388 में ये कोर्स अभी मिलेगा और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा। अब कोई क्वेश्चन तो पूछिए। सरोज जी मोस्ट वेलकम है, इट्स अप टू यू। बस ये अगर आपको ये अभी जो हम ऑफर कर रहे हैं, जो डिस्काउंट दे रहे हैं, वो आज के लिए है, अभी के लिए है, ये 388 दिवाली 30, ये आपको आज त्योहार खत्म हो रहे हैं तो आज ये लास्ट दिन है, उसके हिसाब से आप देखिएगा। यहाँ एक नीचे लिंक दिया गया, आप इस लिंक पे जाइएगा और डायरेक्ट आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यार मोस्ट वेलकम, उसे पूछेगा। दीक्षा मिश्रा जी थैंक यू सो मच, दीक्षा जी सर योर टीचिंग स्टाइल इज सुपर्ब, थैंक यू सो मच, आई एम हम्बल्ड। सुरेश यादव जी पूछिए, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। इफ यू पीपल आई हैव एनी क्वेश्चन, किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है, दे आर मोस्ट वेलकम। सर्वेश बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे दोस्त, सर्वेश ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए एक बात समझना मेरे बच्चों, हमको इंग्लिश टीचर नहीं बनना है, ऐसा तो है नहीं हम सारे काम धंधे छोड़ के भाई इंग्लिश ही सीखने बैठ जाएंगे। भाई देखिए हम सारा टाइम तो नहीं दे सकते ना। अब सर्वेश एक बात मैं आपको बताता हूँ, सर्वेश ध्यान दो, क्या कुछ 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं सर्वेश।
हमें सांस लेने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। आपको नहाने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, खाने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, पर सांस लेने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। एक्चुअली इंग्लिश की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगती है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। ये बोलचाल का काम है। मान लो मैं मैथ पढ़ा रहा होता तो आपको मैथ अलग से पढ़ना पड़ता घर बैठ के। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दोस्तों के साथ बैठे और मैथ की बात कर लें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बस में जा रहे हैं और मैथ की बात कर लें। ऐसा तो हो नहीं सकता आप रेस्टोरेंट में गए और मैथ की बात कर लें, कोई पागल और बताएगा। पर इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसमें अलग से टाइम निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने आपसे कहा कि डेली आपको 10 से 15 20 मिनट, आप इसके लिए हाफ एन आवर निकाल लीजिएगा डेली। सुबह 10 मिनट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आरएलएस फॉर्मूले की, रेड इट लाउड लिसनिंग, 10 मिनट पढ़ लो 10 मिनट सुन लो, फिर शाम को 10 मिनट पढ़ लो 10 मिनट सुन लो। अब बाकी दिन क्या करना है, बाकी टाइम क्या करना है? व्हेन एवर यू गेट टाइम, व्हेन एवर यू गेट अपॉर्चुनिटी, दोस्त मिल गया, 3 सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, 4 सेंटेंस बोल लो। फिर कोई और मिल गया, मम्मी एक्सक्यूज, मम्मी को फोन कर लो जबरदस्ती, आप बैठे हो मम्मी को जबरदस्ती फोन कर लो, मम्मी आई वांट टू टेल समथिंग, एक्चुअली आई विल गेट लेट टुडे, आई विल नॉट कम ऑन टाइम टुडे, इट्स माय एक्स्ट्रा लेक्चर सो आई विल कम आफ्टर 5 o'clock। कुछ भी बोल दो 4-5 मिनट के लिए, तो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा टाइम नहीं, हाँ आधे से एक घंटा डेली यू पीपल हैव टू स्पेयर, वो भी अपने अकॉर्डिंगली कन्वीनियंस के हिसाब से। मिस्टर अली 607, देख मिस्टर अली कहां तक पढ़े हो आप, क्वालिफिकेशन बताओ फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं अली, धनंजय बिल्कुल, आप, मैंने धनंजय शुरू में ही ये कहा था, हम में से 90% इंग्लिश समझ भी लेते हैं पर बोल नहीं पाते, बिकॉज वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इंग्लिश। तो आ जाएगी भाई, जब हमें समझ नहीं आ गई, लिखनी आ गई तो बोलनी आ जाएगी, इसमें कौन भाई, हमने आज तक जो काम नहीं किया अगर वो आता नहीं तो ये हमारी इनकैपेबिलिटी थोड़ी है। जैसे मान लो मेरे को कार चलानी नहीं आती, तो ऐसा थोड़ी है मैं अयोग्य हूं, मुझे कार चलानी आएगी ही नहीं। जिस दिन मैं कार खरीद लूंगा या जिस दिन मैं ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लूंगा उस दिन मुझे आ जाएगी, तो इंग्लिश आ जाएगी बोलनी आपको, इट्स नॉट अ बिग डील। सर्वेश, आई कैन अंडरस्टैंड बिल्कुल आपका पूरा। देखो सर्वेश, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वी नीड टू एक्सेप्ट, हमें समझ लेनी चाहिए। आंख बंद कर लेने से कबूतर नहीं भागता, इंग्लिश की तरफ से मुंह फेर लेने से इंग्लिश की इंपॉर्टेंस नहीं खत्म हो जाएगी, बिल्कुल डेफिनेटली वी नीड टू लर्न। आप इसी देखो, आप एक मंथ दो काज करो सर्वेश, आप अपने उस फार्मा के 4-5 पेज डेली बोल बोल के पढ़ना शुरू कर दो, यू विल लर्न इंग्लिश, आपको समझ में आने लगेगा। दैट्स माय बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं दोस्त, कभी कभी वीडियो ओपन नहीं होता है एप्लीकेशन पर। दुर्गेश, इट्स नॉट अ बिग डील। देखो टेक्निकल ग्लिच कभी भी आ सकते हैं, हमारे में तो छोड़िए, जो कई हजार करोड़ की कंपनियां हैं ना, टेक्निकल ग्लिच वहां भी आ सकते हैं। आपको कभी भी कोई चैलेंज आया करें, इस नंबर पे कॉल कर लिया करें, आवर टीम विल हेल्प यू आउट। दुर्गेश, मैंने रिप्लाई दिया है। हम फोन पे नहीं चलाते हैं। एसके, आप किसी और के थ्रू पेमेंट करा सकते हैं, किसी भी आसपास का जो कियोस्क होता है ना, कोई भी आसपास के आपने कोई ऐसी शॉप हो जो ट्रांसफर करते हो पैसा, आप उन्हें पैसा दे दीजिए, उनसे इस नंबर पे 9999 इस नंबर पे कॉल करके आप इस नंबर पे कर दीजिए या कॉल कर लीजिए एक बार, आपका कोर्स वहाँ डिटेल दे दीजिएगा इस नंबर पे, आपके कोर्स में आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा आपके मोबाइल में। सर्वेश देखो एक बात दोस्त, एक बात तो कहूंगा मैं, जैसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं ऐसे दूसरी लैंग्वेज बोलना इट्स नॉट क्वाइट ईजी, मतलब बहुत आसान नहीं है, बहुत लंबे समय के बाद आप बोल पाएंगे। पर मैं एक बात कहता हूं सर्वेश, आपका काम हो जाएगा, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर्वेश बहुत ध्यान से सुनना मेरे इस उदाहरण को, देखो बच्चों एक बात समझना, मैं हमेशा कहता हूं इंग्लिश है रोटी की तरह। बताओ रोटी का काम क्या है, रोटी का काम क्या है, रोटी क्यों खाते हैं हम, रोटी का काम है पेट भरना। अब अगर रोटी टेढ़ी बने तो पेट भरेगा या नहीं, जल्दी से बताओ पेट भरेगा या नहीं, बताओ जल्दी। गुड इवनिंग, भर जाएगा सर्वेश कह रहे। तो रोटी का गोल होना केवल प्रैक्टिस का मामला है,
उसके वजह से उसका काम नहीं रुकता। जो रोटी का पर्पस है वो तो तब भी सोल्व हो जाता है जब वो टेढ़ी हो। ऐसे ही इंग्लिश है, जब आप इंग्लिश थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी बोलोगे ना, तब भी आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगी, बी फार्मा के बाद आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, यू विल गेट अ जॉब। और जब आपको वो एटमॉस्फेयर ही मिल जाएगा जहां सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, वहां आपकी रोटी यानी इंग्लिश नाम की रोटी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे गोल होने लगेगी। पर इस चक्कर में इंग्लिश बोलना मत छोड़ दीजिएगा, और गोल तो हो ही नहीं रही, गोल की जरूरत भी नहीं है। मैं बता दूं, नो बडी बॉदर्स, आप में से कोई भी इंग्लिश का टीचर बनने नहीं जाएगा। आप में से ध्यान देना, एक बहुत महत्वपूर्ण समझना, आपके केस में इंग्लिश बाराती है, दूल्हा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे उदाहरण को। अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूं, समझना, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो मेरे लिए इंग्लिश का काम, मेरे लिए इंग्लिश क्या है, दूल्हा। यानी मेरी इंग्लिश परफेक्ट भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी भी, प्रोनंसिएशन भी अच्छा, ग्रामर भी बहुत अच्छी, मुझे नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश का टीचर हूं। पर अगर आप बैंक में मैनेजर की जॉब के लिए जा रहे हैं, बैंक मैनेजर की जॉब के लिए जा रहे हैं, आप सीए की जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप फार्मा के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर दूल्हा आपके फार्मा की नॉलेज है, दूल्हा आपकी बैंक मैनेजर की जानकारी है, दूल्हा आपकी सीए की डिग्री है, दूल्हा आपकी सीए की नॉलेज है, और इंग्लिश काम करेगी बाराती का। तो उनका पूरा फोकस, 90% फोकस किस पर रहेगा, दूल्हे पर। बस उन्हें यह दिखना चाहिए कि दूल्हा कोर्ट मैरिज करने ना आ गया हो, तो वो अपनी लड़की को आपके साथ भेजेंगे नहीं, उन्हें लगेगा यार इसके तो घर परिवार से कोई आया नहीं। तो उन्हें लगना चाहिए बाराती यानी इंग्लिश इसे आती है, वो बाराती के बारे में ये देखने नहीं पे। अगर बाराती ने एक बात बताओ, दूल्हे ने पी रखी हो तो शादी कैंसिल हो सकती है या नहीं, भगा देंगे, अरे ये तो नशेड़ी है, ये तो शराबी है। बराती ने पी रखी हो तो घर वाले क्या कहेंगे, अरे बराती से क्या लेने देना यार। तो दूल्हा नहीं पिया हुआ होना चाहिए, मतलब आपकी जो अपनी डिग्री है वो दूल्हा है, और इसके साथ जो बाराती है अगर थोड़ी बहुत पिए, अब यहाँ पिए हुए का मतलब पिए हुए नहीं है, यहाँ बहकी हुई इंग्लिश है, यहाँ थोड़ी कम अच्छी इंग्लिश से मेरा मतलब है, तो भी यू विल गेट अ जॉब। करणवीर धीमान जी, आपको आ जाएगी जब आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, आपको समझनी भी आ जाएगी, बोलनी भी आ जाएगी, सब आ जाएगा। करणवीर जी आ जाएगी, नॉट एन इशू, आप ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, इट्स ओके। चलिए, ऊपर आपको एक लिंक दिया गया है, यू कैन गो टू द लिंक, आप डायरेक्टली उस लिंक पर जाकर पे कर सकते हैं, या स्किलिंग यू एप्लीकेशन पर जाइए और एक कूपन कोड है Diwali30, आप यहां पर आकर अपना 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं एप्लीकेशन पर जाएंगे तो, और नहीं तो आपको एक कूपन कोड दिया गया है, एक लिंक दिया गया है, डायरेक्ट गो टू द लिंक। हाँ दुर्गेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर्वेश जी, नहीं ये रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, तो आप जो अच्छा इसके पीछे आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ सर्वेश, बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। दरअसल कोई पर्टिकुलर टाइम की ऑनलाइन क्लास कामयाब कभी भी हो ही नहीं सकती, अगर वो आपका बेसिक, अभी आपने ही सर्वेश क्वेश्चन उठाया था, अगर मैं बी फार्मा की क्लास कोई पर्टिकुलर टाइम पे चलाऊं तो आप 10 काम छोड़ के उसको अटेंड करेंगे, क्योंकि वो आपके आपका दूल्हा है वो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैथ रीजनिंग जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे काम छोड़ के उसकी लाइव क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि वो आपका दूल्हा है, मेन काम है। पर इंग्लिश जो है ना वो साइड में आपको जरूरी है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ऑफिस छोड़ के इंग्लिश क्लास सीखने बैठ जाएंगे, क्लास छोड़ के इंग्लिश सीखने बैठ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हमने इस कोर्स को डिजाइन ही ऐसे किया है कि जब समय मिले तब बच्चा देख पाए, तब स्टूडेंट सीख पाए, तो हमने इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दिया है। और जब रिकॉर्डेड फॉर्मेट होता है तो लाइव से टाइम बेटर होता है, रीजन बताता हूं। अभी जब मैं लाइव चल रहा हूं अभी, तो मुझे आपके कमेंट भी पढ़ने हैं, मैं पढ़ाना कुछ और चाह रहा हूं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, सवाल कोई और पूछ लेता है, सर पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट कैसे करें, फिर मैं उसे पेमेंट वाले को बताऊं कि पेमेंट ऐसे होगी, फिर मैं मैं कोई सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, सामने वाला कुछ और, यानी मैं चाहते हुए भी इस डिस्टर्बेंस को खत्म नहीं कर सकता। पर जब मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाऊंगा तो आप सोचिए, बनाने वाला तो मैं ही हूं, एनर्जी वही है, तरीका वही है, स्टाइल वही है, और फोकस बिल्कुल किस पे, पढ़ाने पर, क्यों वहां बीच में कोई डिस्टर्ब तो कर ही नहीं रहा, तो वहां ज्यादा बेहतर आइडियाज दिए जाते हैं, बेहतर थॉट्स बताए जाते हैं, बेहतर स्टाइल अपनाई जाती है, और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है, अरे हाँ यार, क्योंकि उस समय पूरा फोकस किसे, उसी चीज को बनाने पर है। बीच में हमने डाउट क्लियरिंग सेशन आपको दे दिया है,
तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। दीक्षा, थैंक यू सो मच दीक्षा जी। दीक्षा कह रहे हैं ऑलरेडी लर्निंग माई कोर्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन, माई सिस्टर ऑल्सो ज्वाइन योर कोर्स बट शी डज नॉट यूज एनी ऑनलाइन पेमेंट मोड, देन हाउ कुड शी पेमेंट। दीक्षा, किसी भी मोबाइल से कहीं से भी आप लोग पेमेंट करके फोन कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट भेज दीजिएगा कि ये पेमेंट किसी और के थ्रू करवा दीजिए और स्क्रीन शॉट भेज दीजिए, कॉल कर लीजिए 9992132133 पर। आपका कोर्स आपके नंबर पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। सर्वेश, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप ऐसे जितने लोग भी, मैं एक बात रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, बच्चों एक बात समझना, मेरा तरीका मेरी स्टाइल पसंद आई हो तो मुझे ज्वाइन करें, इस कोर्स को ज्वाइन करें, ना पसंद आई हो तो कहीं और ज्वाइन करें, पर इंग्लिश जरूर सीखिएगा। डू नॉट इग्नोर इंग्लिश, इंग्लिश को इग्नोर मत कर दीजिएगा वरना दुनिया आपको इग्नोर कर देगी, बस मेरी इतनी बात याद रखिएगा। जय हिंद, नाउ वी नीड टू कॉल इट अ डे। जय हिंद, ऊपर कोड दिया गया, लिंक दिया गया, यू कैन गो टू द लिंक और वहां जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।